Welcome to Kheer Ganga, a paradise in the heart of the Himalayas. Today, we'll be your guide as we embark on an unforgettable trek through breathtaking landscapes and serene beauty. First things first, make sure you are well prepared for the journey ahead. Wear comfortable trekking shoes, carry a sturdy backpack with essentials like water, snacks, sunscreen, and don't forget your camera to capture the mesmerizing views along the way. जैसे ही हम ट्रैक शुरू करेंगे हमें मिलेंगे बड़े सुंदर पेड़। खीरगंगा ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर वन साइड, जो कि आप अपने पेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में पूरा करेंगे। यूजुअली लोग 5 से 6 घंटे लेते हैं, बट अगर तुम तेज चलते हो तो तुम कम में भी कर सकते हो। खीरगंगा के रास्ते में हमें मिलेंगे काफी सारे ब्रिजेस, वाटरफॉल्स और काफी सुंदर ट्रेल। रिमेंबर टू पेस योरसेल्फ एंड टेक ब्रेक्स व्हेन नीडेड। And finally, after hours of trekking, you will reach the pinnacle of your journey, Kheer Ganga. At an altitude of 3,050 meters, this mystical land is famous for its hot springs, believed to have medicinal properties and perfect for relaxing tired muscles. From the exhilarating trek to the serene beauty of Kheer Ganga, this journey is sure to leave you with memories to last a lifetime. So pack your bags, lace up your boots, and let's explore the wonders of Kheer Ganga together. स्टार्टिंग द खीर गंगा ट्रैक। 10-16 हो गए हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। भैया खीर गंगा वाली ट्रेल कौन सी? यही है। अच्छा, ये नीचे जो इतनी बड़ी रोड सी है ये खीर गंगा जाती है? जितने शॉर्ट कट हाँ, ये कहाँ शॉर्ट? इस मकान हो किसी दादी इस मकान से होगा मकान होगा मकान से सीधा किसी। अच्छा, I'm late, I know. Yeah.
इट्स नेवर टू लेट। बहुत ही क्लियर रास्ता है, बहुत बड़ा सा, और अभी तक तो स्टीप नहीं है और शायद आगे भी नहीं होगा क्योंकि टोटल एलिवेशन डेली 500 मीटर का है, नियरली 78 किलोमीटर। तो बंजार गया आप रुकोगे मैं कैमरा कर दूंगा सामने। भाई मैंने देखा वो आप एक थके हुए लोगों की वीडियो बना रहे है वापस आगे लें या फिर लो एनर्जी बचेगा यहाँ पर आप अभी अचानक खाओगे तो एक घंटे में पहुंच जाओगे ऊपर फिर पूरा दिन क्या करेंगे। तो काफी स्लो चल रहा हूँ बट I will cover. काफ़ी तेज तेज भाग लिया हूँ बहुत काफ़ी तेज शायद पानी पी लिया था इसलिए ये किडनी वाला जो मेरे को यूजुअली होता है कि अगर मैं पानी पी के भागूँ तो वो दर्द तो वही हो रहा है मगर थोड़ी देर में चला भी जाता है। रन 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 ये भी है मगर नीचे वाला ज़्यादा बेटर है। Just focus on yourself. People usually ask me like मैं थकता नहीं हूँ क्या? Of course मैं थकता हूँ बल्कि मैं बहुत जल्दी थकता हूँ मगर मैं रुकता कम हूँ रुकता नहीं हूँ मतलब थकता हूँ तो स्लो हो जाता हूँ और रिकवर हो जाता हूँ फिर फास्ट चलने लगो। डोंट रिकॉर्ड बाइक रनिंग कहीं कहीं पे स्टीप भी है ये लाइक दिस
ये जो रेलिंग जा रही है ऊपर तक। थर्टी 38 हो गए और वाटरफॉल क्रॉस किया है, अब थोड़ा फ्लैट भी है तो लेट्स रन। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं भाई तू कार्डियो करता है क्या? नहीं मैं नहीं करता। वहाँ नीचे भी एक ट्रेल है मगर हम ऊपर से जाएंगे। जैकेट कोई डे हाइक में इतना बोझ कौन करता है यार। इफ यू कैन सी पूरी खीर जैसी लग रही है रिवर, इसलिए ऐसे खीर गंगा बोलते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। पूरा वहाँ पर सामने कौन मंदिर लास्ट स्ट्रेच में फट रही है काफ़ी स्लो मगर सही है मज़ा आ रहा है। हियर वी आर एट द कुंड। गुड भाड़ी हाँ ऐसा देंगे वो सामने हम लेकिन बहुत बहुत है ना ये आंटी डांट रही है उन लोगों को क्योंकि वहाँ जाना मना है और वो लोग फिर भी ऊपर जा रहे हैं। यही नीचे है यार। मैं भी जल्दी आया हूँ, मैं भाग के आया हूँ। मैं दो हाँ भाई अभी इन भैया से यहाँ पर वीडियो बनवाई है
अगर वो वीडियो देखनी है तो इंस्टाग्राम पे रील होगी वो, तो देख लेना। बारिश आने लग गई है, मुझे जल्दी नीचे उतरना चाहिए ताकि टाइम पे नीचे पहुंच जाऊं और ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। दिस टाइम इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। And most of the running parts, I won't even record. हाँ क्या है ऊपर? हाँ कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा, मेरे को मन नहीं किया। नहीं मतलब फास्टिंग किया? हाँ बहुत देर, एक घंटा। एक घंटा? हाँ अच्छा लग रहा है ना मतलब? हाँ काफी। कितना दूर है? आई आपका ना 15-20 नहीं उससे ज़्यादा हुआ। हाय हाँ, मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। वो क्या है अब तो क्या है? हाँ चलो दोबारा, मैं रात को ऊपर आ गया था। क्या बोलना, कोई चैनल है क्या? बिल्कुल है, सब्सक्राइब करो यार। चैनल का नाम बताओ, फ्यूचर चैनल था भाई, कहीं YouTube पे तो नहीं आ रही हमारी यार, नेटवर्क नहीं आएगा। नहीं नहीं मैं लिख लेता नहीं, नाम तो मेरा नाम है, वो मिलेगा नहीं तेरे को ऐसे। तू का कुछ आता है? ट्रैवल व्लॉग सुनाते हो? मैं नहीं, डेटा इंजीनियर हूं। मेरा डेटा इंजीनियर काम तो कर रहा था। हां सही है, मतलब मैं YouTube पे पूछ रहा हूं क्या करते हो। हां मतलब खुद की मेमोरीज के लिए जहां जाता हूं वो रिकॉर्ड करता हूं सब करे हुए, जैसे जाके डिलीट। नहीं नहीं नोटपैड में सेव रहेगा। नोट ये वही है, ड्राफ्ट रह गया हमेशा जैसे रहता है ना मैक पे। भाई एक तेरा काम करा, वो बहुत दूर है, कुछ नहीं। हां हॉस्टल का लोंडा ले गया ठीक है भाई। अरे नहीं ले गया मैम। अरे ठीक है भाई, नहीं नहीं चेप नहीं, ऐसा नहीं बोला उसने। चल लो चक्कर ऊपर तक। नहीं यार आ जाओ, क्या कर रहे हो ऊपर? ऑफिस घूम घूम के कैंप कर लेना हमारे साथ, आ जाओ। और क्या? नहीं नहीं कैंप सोच के आया नहीं था ना इसलिए। भाई ये मुझे लग रहा है हो गया। थैंक यू। हाँ कितना है यहाँ से? नियरली 1.5 और 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 लग जाएंगे। चलो थैंक यू। बहुत जनता है यार, बहुत जनता है। इट स्टार्टेड रेनिंग, मौसम ख़राब होना है, तभी मैंने कैंप नहीं किया। मतलब एक बैक इन द माइंड मेरा ये था, वरना मैं ऑलमोस्ट कैंप करने लग गया था। एक पर्क मिली है, आधी फटी हुई रैपर है, इसलिए नीचे लेके जाएंगे। उसमें पर्क है इसलिए उसे खा लेंगे। I guess. बहुत बारिश हो रही है, ट्रेल गीली हो रही है, और अब मेरे को थोड़ा सा और जाना होगा शायद 20
25 मिनट्स और देखो बारिश। आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू नाउ आई एम ट्राइंग टू कीप माय गोप्रो इन सिंक। चार घंटे मतलब अभी तो शुरू हो आ गया तो आर हाइकिंग टाइम का 4:07। ये हालत है मेरी। मैं यहाँ पर आया कैसे, मैं निकला कसौल से 9:30 के करीब और फिर मैंने एक पोंचो लिया, लाइक डिस्पोजेबल पोंचो रेन कवर। फिर मैंने एक पराठा खाया और मैं लिफ्ट मांगने के लिए बाहर आ गया। एक कैब से पूछा तो उसने बोला कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाए थे तो वो तो मुझे देने नहीं थे। फिर मैंने लिफ्ट लेने की कोशिश की तो एक बंदा था फ्रॉम डिफेंस आई गेस, लाइक उसने मेरे को मणिकरण तक छोड़ा और ही सेड लाइक अभी लिफ्ट नहीं मिलेगी तो मनी गुरुद्वारे में कहीं रुक जाओ ऐसा करके। मैंने कहा हाँ आई विल लेट सी कि नहीं मिलती है तो ऑफ कोर्स रुक जाऊँगा। तो ही ड्रॉप मी देयर, देन आई वॉक्ड कपल ऑफ 100 meters, देन कुछ मतलब आधा किलोमीटर चलने के बाद फिर मैंने एक लिफ्ट लेने की ट्राई की, नहीं मिली। फिर एक बंदा था जो ऊपर बरसैनी को आ रहा था, उसने मेरे को लिफ्ट दी। तो वो बंदा कहता कि क्या मतलब ऊपर तक लिफ्ट मतलब क्या लिफ्ट नहीं मिलती तो क्या पैदल आ जाते। मैंने कहा नहीं नहीं कोई तो दे ही देता। फिर उसने मेरे को बरसैनी छोड़ा, वहाँ से मैं आगे को आया, थोड़ा आगे आया, 5 कुत्तों ने मेरे को घेर लिया बंदा। फिर सबको ऐसे सिट सिट करके बिठा के जब उनकी मुंडियाँ दूसरी तरफ हुई तब मैं वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से आगे जाने के बाद कुछ मीटर्स और गया, फिर 4-5 कुत्तों ने घेर लिया। फिर उधर से वैसे ही करके निकला, डैम पर आया, मतलब कोई इंसान की जात ही नहीं दिख रही थी। डैम पर आया, डैम से ऊपर को आ रहा था, नीचे एक कैफ़े का आता है, उधर से मतलब उनको पूछा कि हाँ कोई है कोई है, तो एक आंटी थी तो उन्होंने बोला तो मतलब मैंने कहा कि ऊपर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उन्होंने बोला डंडा ले जाओ और चले जाओ। मैं जाने लगा, ऊपर जैसे क्लिफ के एंड पर पहुंचा तो 4 कुत्ते गंदा भौंक रहे थे मेरे पे। मतलब 3 को मैंने शांत कर दिया, एक काला कुत्ता था वो हो ही नहीं रहा था, वो मेरे को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया रोहित भाई को, यहाँ फ्रीडम कैफ़े मतलब इसको चलाते हैं पपड़ी को, तो इनको फ़ोन किया भाई कि आओ, मैं मतलब हिलने तो दे नहीं रहे हैं कुत्ते, तो मैं कैसे आऊँगा। तो वो आए और फिर मेरे को लेकर आया। तो दैट्स द स्टोरी। कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं जंगल दोस्त। क्यों? जंगल से हम लाएंगे थोड़ा वाइल्ड प्लांट्स हैं। ओके। जो फ्रीडम में थोड़ा सा काम आ जाएगी, क्योंकि जंगल में इतना वैल्यू तो हो नहीं रहा है ऐसे बीच फ्रीडम में होगा। हाँ ऑब्वियसली ब्रो, तभी तो इतना मैं कर रहा हूँ। इतना जंगल जाना किल्टा भर भर के ना देखे आ रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। मेहनत तो बाबा, आओ फ्रीडम कैफे आओ। आप फ्रीडम कैफे आओ फिर देखो। फिर देखो क्या लेकर क्या है। अगर जानना है कि क्या लेकर आए हैं तो उसके लिए फ्रीडम कैफे आना। हाँ वहाँ लगाएंगे। बोलूंगा